नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव और इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारत के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अपनी कंधे की चोट से उबर रहे हैं। अय्यर को इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान चोट लगी थी, इसके बाद उनकी सर्जरी करनी पड़ी थी। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करने वाले अय्यर इसके बाद IPL 2021 से बाहर हो गए थे। उनकी जगह ऋषभ पंत ने IPL 2021 के स्थगित होने से पहले टीम की कमान संभाली। अय्यर चोट से उबरने के बाद टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। बता दें, अय्यर सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने फैंस के द्वारा बनाए गए एक वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का है। इस वीडियो में वो बाउंड्री पर फील्डिंग करते नज़र आ रहे हैं। इसमें उनके फैंस 1 रुपए की पेप्सी अय्यर भाई सेक्सी के स्लोगन कहते हुए नज़र आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैंने अपना पसंदीदा नारा खोज लिया है, आप भी सुन सकते हैं, और अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता वापसी करने के लिए। गौरतलब है कि अय्यर की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स IPL 2020 की फाइनल में पहुंची थी। 4 मई को IPL 2021 के बायो बबल में कोरोना की एंट्री के बाद इस लीग को स्थगित कर दिया गया था। अय्यर को उम्मीद होगी कि साल के आखिरी में टूर्नामेंट दोबारा शुरू होने की स्थिति में वो दिल्ली के लिए खेल पाएंगे। IPL स्थगित होने से पहले दिल्ली IPL 2021 में पॉइंट टेबल में टॉप पर है। अय्यर के जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज से पहले फिट होने की उम्मीद नहीं है। उनके फिट होने पर उन्हें कप्तानी सौंपने के कयास लगाए जा रहे थे। बता दें, भारत के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का श्रीलंका दौरे में खेलना मुश्किल है। अय्यर के श्रीलंका दौरे के लिए फिट होने की संभावना नहीं है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में इस दौरे में कप्तानी के लिए उनके नाम की चर्चा चल रही थी। सीमित ओवरों की सीरीज के लिए उनके अलावा शिखर धवन और हार्दिक पांड्या कप्तानी की रेस में थे। अब धवन और पांड्या में से किसी एक को कप्तान बनाने की संभावना है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।